हमारे यहाँ तो इस तरह की कथाएं आती है। अकबर ने कहा बीरबल से, क्यों महाराज ये बताओ बीरबल भाई, हमारे खुदा तो कभी जमीन पर आते जाते नहीं है, ये तुम्हारे भगवान, क्योंकि हमारे खुदा तो अपने पीर पैगंबरों को भेज देते हैं, वे आते हैं, ये तुम्हारे भगवान को एक ही काम है, जब आओ जब इंकारनेशन, जब आओ अवतार लेके आ जाते हैं, ये सब क्या है। तो महाराज बीरबल तो बीरबल, अकबर की बात सुन ली, बोले महाराज जापना मुझे को थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बोले ठीक है, पर सोच ना तुम, मुझे जवाब चाहिए इसका। बीरबल ने कहा जरूर देंगे आपको इसका आंसर। बीरबल ने युक्ति भिड़ाई और अकबर जी से कहा महाराज जापना आज बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, चलिए यमुना में थोड़ी देर नौका विहार करते हैं, बोटिंग करते हैं। बोटिंग करने के लिए गए, किंतु बीरबल ने कहा महाराज इतना सुहाना मौसम है, आप अकेले जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़े से लोगों को साथ ले लीजिए। अरे आपका जो सबसे छोटा है ना राजकुमार, वो छोटे छोटे हैं, उनको अच्छा लगेगा, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे देख करके, मौसम इतना सुहाना है, घूमेंगे अच्छा लगेगा, बोटिंग करेंगे, छोटे बच्चों को मजा आता है ना, आता है कि नहीं आता है? आजकल तो बड़ों बड़ों को भी आता है, पहले केवल छोटों को ही आता था। तो महाराज बीरबल ने इस तरह युक्ति बनाई सबको ले जाने के लिए। तो साहब ठीक है, चार पांच छह नौकाएं हो गई, सब एक साथ चलने लगे, यमुना में बिहार बातों में उलझा लिया। अब जिस नौका में बैठे अकबर बीरबल, उसी में छोटे राजकुमार को लेकर उनकी दासी भी बैठी गई। और जैसे ही महाराज बीच में पहुंचे यमुना में, तो दासी के हाथ से, सेविका के हाथ से वो छोटा बच्चा जो था वो यमुना में गिर गया। जैसे ही वो बच्चा गिरा, अरे राजकुमार गिर गया, सुनते ही अकबर ने कुछ ही देखा, सीधे यमुना में छलांग लगा दी और दौड़ और जाकर के उस बच्चे को उठा करके लेकर के आए। जब उठा के देखा तो बोले ये बच्चा तो है ही नहीं, ये क्या है, ये खिलौना है, अरे ये खिलौना, ये कैसे हुआ। नौका में बैठे सारे कपड़े गीले हो गए, नाराज हो गए, बीरबल ये क्या है, ये क्या मजाक है। बोले हुजूर आपने एक बात पूछी थी, आपने कहा था कि तुम्हारे खुदा ये जमीन पर क्यों आते रहते हैं, हमारे तो हमारे खुदा तो कभी आते नहीं है, पीर पैगंबर को भेजते हैं, तो आप ये बताइए हुजूर ये राजकुमार किसके हैं। बोले मेरे। तो यदि महाराज ये तो राजकुमार है नहीं एक्चुअल में, ये तो हमने खिलौना बना करके लाए राजकुमार की शेप में। तो महाराज आपके तो बहुत सारे सेवक हैं, मैं भी आप ही के साथ बैठा हूं, बहुत सारे और लोग हैं, नौका चलाने वाले मल्लाह बैठे हैं, जब आपका बच्चा गिरा तो आपने उनको ऑर्डर क्यों नहीं दिया, आप खुद क्यों गिर गए। अरे बोले मेरा था वो, इतना सोचने का टाइम ही कहां है। तो बोले महाराज ऐसे ही हम सब उसकी संतान है, उसके पास भी टाइम कहां है, वो स्वयं ही तो आएंगे हमारे आप बचाने के लिए। तो भगवान का इंकार्नेशन अवतार इसलिए होता है कि हम और आप सब जीवों पर कृपा करने के लिए। भगवान का अवतार क्यों क्यों होता है, रामचरित में गोस्वामी जी लिखते हैं कि गाए राम गुण गन विमल भवतर भी नहीं प्रयास। वो कृपा, वो कॉजलेस मर्सी है, वो चाहता है कि ये जीव जो संसार में मनुष्य देही लेकर के आए हैं ये मुझ तक पहुंच जाएं, इसके लिए वो अवतार लेकर के आता है।